जी से इस पूरे मामले में बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने, सुनिए। संसद का मानसून सत्र की आज शुरुआत हो रही है। हमारे साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, कांग्रेस जो है एक केंद्रीय मंत्री और दो मुख्यमंत्रियों की इस्तीफे की मांग कर रही है, क्या कहेंगे? देखो भैया, ऐसा है, कांग्रेस जो है वो क्या मांग कर रही है क्या नहीं कर रही है वो तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। कांग्रेस का हर घंटे में एक नई मांग आ जाती है। ये तो कांग्रेस की वो हालत हो गई है कि एक हताश और निराश, जैसे हार की हताशा थी पहले, उसके बाद हार का हैंगओवर हुआ, अब हार के बाद हाहाकार मच गया है। तो ये जो इनका पूरा के पूरा सिस्टम है वो सिस्टम ही इनको समझ में नहीं आ रहा, हिट एंड रन कंपनी बन गए हैं। अच्छा, कांग्रेस का कहना है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार पर चर्चा से भाग रही है। हम सब पे चर्चा करने को तैयार हैं। हम जो है वो इनके असम में हुए जो भ्रष्टाचार है, हम जो है वो गोवा में हुए भ्रष्टाचार है, हम तो उत्तराखंड में जो कुछ इन्होंने जनधन की लूट की है, इन्होंने जो कुछ केरला में किया, हम सब पे, इनके दामाद गेट से लेके सब पे हम चर्चा को तैयार है। करो ना। अच्छा नकवी साहब, एक आखिरी प्रश्न है। आपके ही एक वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने पत्र लिखा है अध्यक्ष को और साफ तौर पर कहा है कि व्यापम सहित इसे काफी मैंने देखा नहीं इसको। तो ये थे संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वे चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन कांग्रेस के कई ऐसी बातें हैं जो कि कांग्रेस चाहती है कि पूरी तौर पर संसद में डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी नेता शांता कुमार को लेकर जब सवाल पूछा गया तो मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है और उन्होंने कहा कि वो पत्र हमने देखा भी नहीं है। ये भी पूरी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन उसके पहले सत्यव्रत चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से क्या कुछ कहा गया है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। कांग्रेस लगातार इस्तीफों की मांग पर अड़ी हुई है और सरकार ने कह दिया है इस्तीफे का सवाल ही नहीं होता। बातचीत करने के लिए सत्य चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सर, ऑल पार्टी मीटिंग भी थी कल, काम मुद्दे आप उठाइए, लेकिन इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं होता। वो जो करना चाह रहे हैं वो हमारी समझ में आता है। अकेली अगर हमने ये बात कही होती तो समझ में भी आती, लेकिन आज तो उनके अपने सीनियर लीडर्स और आरएसएस के लोग खुद इस मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और अगर उन्हीं के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है। जहां तक रहा सवाल इस्तीफों का, अगर पहले इस्तीफे हुए हैं तो आज क्यों नहीं? सर, विपक्ष एक तरीके से बटा नजर आया, समाजवादी पार्टी इनका लैंड बिल पर थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिए, मार जाएंगे। सुषमा के इस्तीफे की बात जब आपने उठाई तब साफ तौर पर पार्टी उनका कि इस्तीफे की जरूरत नहीं, तो आपको लगता है थोड़ा वीक हुई है रेजिग्नेशन पे, आपको कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए था? अलग पार्टियों की अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग इश्यूज पर हम अपनी राय बनाते हैं, कहीं हम एक दूसरे के समर्थन में होते हैं, कभी कुछ एक पार्टियों की अपनी अलग राय होती। हम सबसे बात करेंगे और हमें ये पूरा भरोसा है कि इन मुद्दों पर जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर पूरा देश आंदोलित है, और देश ही नहीं उनकी अपनी पार्टी के लोग आंदोलित हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे सवालों पर कैसे खामोश रह सकता है विपक्ष? आखिरी सवाल, क्या इस्तीफे के बिना संसद चल पाएगी? सत्वत जी, क्या आप लोग अब इतनी डिमांड रिजिट कर देंगे कि संसद नहीं चलने देंगे? ये देखना पड़ेगा, पहले हम अन्य सभी लोगों से और राजनीतिक दलों से बात करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे सामूहिक रूप से लेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी जी राज्यसभा के सांसद हैं। साफ तौर पर राज्यसभा में कांग्रेस के पास नंबर्स हैं और कांग्रेस चाहती है कि सभी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ आकर इस्तीफे की मांग पर अड़ी गए। कैमरामैन गंगा के साथ रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।